अबाउट वाई लक्ष्मीकांत इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएसटू लक्ष्मीकांत पढ़ के आपका जीएसटू पॉलिटिक का सेक्शन कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने भी लक्ष्मीकांत को बहुत बार पढ़ा है बट लक्ष्मीकांत को पढ़ के आपके जो मेंस का जो सिलेबस है वो कभी कवर नहीं हो पाएगा तो जीएसटू को या स्पेसिफिकली पॉलिटिक को, को हम कैसे पढ़े हम कैसे तैयारी करें जीएसटू की पॉलिटिक की तो आज मैं आपको ये बताऊंगा तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को देखना पड़ेगा सिलेबस में कौन से कौन से पॉइंट्स है तो क्या ये पॉइंट्स लक्ष्मीकांत में कवर होते इतना 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 पार्ट जो है वो हमारे जीएसटू का पॉलिटी का पार्ट बना था तो क्या ये सारे पॉइंट्स लक्ष्मीकांत में कवर होते हैं कुछ पार्ट कवर होते हैं बट मैक्सिमम 80 परसेंट पार्ट कवर नहीं होता है पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में इसलिए लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है आपको ये नहीं पढ़ना आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा तो फिर एक वॉट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटी तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करते हैं तो अगर सबसे पहले अगर आप पॉलिटी का सिलेबस देखोगे तो ये है सिलेबस है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बाद में फेडरल फंक्शन एंड रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट्स है सेपरेशन ऑफ ऑफ पावर है है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट उसके बाद में रेगुलेटरी बॉडी है कॉज ऑफ जुडिशियल बॉडी है एंड उसके बाद में एग्जीक्यूटिव प्रेशर ग्रुप्स एंड ऑल दैट स्टफ है तो इन सब टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है आज मैं आपको ये बताऊंगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले आपको लक्ष्मीकांत के सार बहुत से लोग क्या करते हैं मैंने भी यह गलती की थी कि लक्ष्मीकांत को पेज वन से लेके तो पेज आखिरी तक पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा पॉलिटिकल प्रिपरेशन हो गया दैट इज द रॉन्ग वे टू प्रिपेयर फॉर मेंस हाँ आपका प्रीलिम्स में हो सकता है बट मेंस में ऐसा नहीं होता है मीन्स में आपको लिखना पड़ता है तो आपको इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं तो लक्ष्मीकांत से तो नहीं होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है उसको तोड़ना है और देखना है कि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आए तो अगर आप मैं पहला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग कैसे हुआ है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है तो ये हमारा पहला टॉपिक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर नंबर वन है

पांच छह टॉपिक्स है वहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं जैसे फीचर ऑफ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट एक्ट रिप्रेजेंटेशन पीपल ये लक्ष्मीकांत में कहीं पे भी नहीं दिया है और दिया है भी तो इतना अच्छे तरीके से कवर नहीं किया तो आपको इसको गूगल से पढ़ना पड़ेगा आपको किसी इंस्टीट्यूट की नोट से पढ़ना पड़ेगा उसके बाद में अगर मैं देखू की हर साल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो अगर आप ये देखो आ, ये वाला पार्ट अमेंडमेंट वाला पार्ट ये देख रहे हो हर साल किसी ना किसी अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग ठीक है यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके बाद कहा से आते हैं उसके बाद क्वेश्चन आते हैं ये पार्लियामेंट वाला जो टॉपिक है ना ये पार्लियामेंट वाला टॉपिक पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है फंक्शनिंग क्या है कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है पार्लियामेंट के पावर और प्रिविजेस क्या है यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके बाद में क्वेश्चन कहां से आते हैं उसके बाद में क्वेश्चन आते हैं अगर मैं यहाँ देखो तो फेडरल स्ट्रक्चर तो ये देखो फेडरल फेडरलिज्म यहाँ पे दिया है और बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पहले प्रिपेयर कर लो क्योंकि यहां से मेजोरिटी के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं और ये जो जुडिशियरी वाला टॉपिक देख रहे हो तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले तो मैंने मेन मेन जो भी सिलेबस के पॉइंट है उसको निकाल लिया और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और उसके बाद में मैंने देखा कि हर साल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हम 2022 का 2021 का 2020 का भी पेपर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यही वो चार पांच टॉपिक है जहां से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं और एक टॉपिक है एग्जीक्यूटिव का टॉपिक है यहाँ पे कहीं हाँ ये देखो ये एक्जिक्यूटिव यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैंने तोड़ने के बाद में मैंने इसके फोल्डर्स बना लिए जैसे देखो जैसे देखो अमेंडमेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चन कैसे आते हैं बेसिक से, है, से, है, से कैसे आते हैं इलेक्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं डीपीएसपी से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बाद में फेडरलिज्म से कैसे क्वेश्चन आते हैं जो हमारी पार्ट है जुडिशियरी से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बाद में एग्जीक्यूटिव से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये साल आया था एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं तो ये सारे मैंने फोल्डर्स बना के रखे और इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके हिसाब से मैंने उसको प्रिपेयर किया इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही आपको प्रिपेयर कर रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेंडमेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो अगर हम अमेंडमेंट से क्वेश्चंस देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने अरेंज करके रखे इसको हम देखेंगे ओके okay. तो अमेंडमेंट जो स्टार्टिक क्वेश्चन है जो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएंगे जैसे कि व्हाट इज द फीचर ऑफ अमेंडिंग अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद में लोकसभा में जाएगा राज्यसभा में जाएगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो जो पूरा प्रोसीजर है टू थर्ड मेजोरिटी जो भी है वो सारा प्रोसीजर स्टार्टिक क्वेश्चन है उसके बाद में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है प्रेमबल में अमेंडमेंट हुआ फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है लैंग्वेज में अमेंडमेंट हुआ था तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है अब कुछ करंट अफेयर वाले अमेंडमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि 2016 में पूछा था 101 जीरो के बाद में जो जीएसटी लाया था उसके बारे में पूछा था उसके बाद में 69 नाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछा था उसके बाद में 2011 में विसल ब्लोर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट के बारे में पूछा था आरटीआई का अमेंडमेंट आया था पिछले साल पिछले की पिछले साल आया था दो में आया था आई थिंक सो दो हजार के क्वेश्चन पूछा था उसमें उसके बाद में ट्वेंटी अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है उसके बाद में वन अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है उसके बाद में 2011 में जो अमेंडमेंट आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला उसका उसका क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना है और अगर न्यूज में कोई अमेंडमेंट चल रहा है तो वो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी हर साल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछती है ठीक है उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो है बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है हर साल यूपीएससी यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती है तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप प्रिपेयर करके जाओ जो की आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा तो फिर करना कहाँ से है करना है आपको मोस्टली uh, इसको आपको इंटरनेट से ही करना है ठीक है तो बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस कैसे है 1994 में क्वेश्चन आया 2000 में क्वेश्चन आया और भी क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर का इमरजेंस कैसे हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक uh, स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर क्या होता है आई आर केस हुआ था 2007 में तो उसमें क्या हुआ था वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है ये दो हजार या इक्कीस में क्वेश्चन आया था उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया था दो में दो में भी क्वेश्चन आया था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है और ऑप्शनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल है उसमें भी दो बार बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आया था तो फिर मैंने इसके कैसे क्वेश्चन मैंने इसके नोट्स कैसे प्रिपेयर किए कि बेसिक क्या है आर्टिकल 13, आर्टिकल 368, आर्टिकल क्या क्या है फिर बेसिक स्ट्रक्चर का कैसे हुआ उसके उसके बाद बाद में में शंकरी प्रसाद केस था सज्जन सिंह केस क्या था गोलकनाथ केस क्या था उसके बाद में केशवानंद भारती केस क्या था उसके बाद में जजमेंट क्या है उसका इफेक्ट क्या पड़ा उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है अगर मुझे लिखना है इंट्रोडक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा तो कंक्लूजन क्या लिखना है तो कंक्लूजन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर करके रखे बाद हाउ इट इज द इंडियन डेमोक्रेसी हाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इन सारे पॉइंट है इसमें से कुछ भी पूछा तो यही छाप, छापूंगा ठीक है तो उसके बाद में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में क्या हुआ था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट में क्या हुआ था मिनरल मिल्स केस में क्या हुआ था उसके बाद में आई आर कोहलो के बारे में मैंने थोड़े से नोट्स निकाल लिए उसके बाद में वामन राव केस में क्या हुआ था इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में क्या हुआ था एस आर बोमे में क्या हुआ था कौन से कौन से नए नए आ, बेसिक स्ट्रक्चर उसमें ऐड हुए थे एम नागराज केस में क्या हुआ था? तो मैंने ऐसे कुछ ये बना के रखे हैं जिसमें आ, बेसिक स्ट्रक्चर के अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स को मैं रिपीट करूंगा तो बेसिक स्ट्रक्चर और ये आपको बनाना से आपको गूगल कर रहा है गूगल में से आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल जाएंगे वहां से पढ़ लेना ठीक है उसके बाद में अगर मैं

बाईस में भी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन क्या था देखो सबसे पहले क्वेश्चन आते थे? पहले के इलेक्शन के बारे, के के बारे यहाँ पे भी तीन बार की में दो हजार बाईस में इलेक्शन के बारे में नहीं पूछा वाइस प्रेसिडेंट के रोल के बारे में पूछा एज अ राज्यसभा चेयरमैन तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यूपीएससी हर साल एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछते और एग्जीक्यूटिव कहां दिया हमारे सिलेबस में अगर आप देखो तो यहाँ पे व्हाट इज द स्ट्रक्चर वट इज द ऑर्गनाइजेशन एंड वट इज द फंक्शनिंग ऑफ एक्जिक्यूटिव तो एक्जिक्यूटि में कौन कौन आता है एजीक्यूटिव में आता है प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरल प्रेसिडेंट गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद हम गवर्नर से देखेंगे तो गवर्नर से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं ये साल भी आया था दो हजार बाईस में तो गवर्नर को रिमूव कैसे करते है और गवर्नर का जो भी है उसके बारे में पूछा है ऑर्डिनेस पावर ऑफ गवर्नर पूछा है डिस्क्रिशनरी पावर रोल रोल एंड फंक्शन के बारे में पूछा है उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है इसके बारे में पूछा है तो हर साल गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं तो गवर्नर का टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है एग्जीक्यूटिव में एटलीस्ट गवर्नर प्रेसिडेंट तो भी करके जाओ क्योंकि वहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं ठीक है उसके बाद में प्रेसिडेंट uh, से कैसे क्वेश्चंस होते हैं प्रेसिडेंट से तो हर बार क्वेश्चंस आते हैं जैसे ऑर्डिनेंस और प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बारे में पूछते हैं लेजिस्लेटिव पावर के बारे में इमरजेंसी के बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर दो तो हजार उन्नीस में ऐसा क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द सर्कमस्टांस जहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है डिफाइंड फाइनेंशियल इमरजेंसी उसके भी पहले क्वेश्चन आया था और इस सर्कमस्ट के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया था तो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में देखो क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्सिक्वेंस क्या है ठीक है तो ये जो भी है आपको प्रिपेयर करके जाना है सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके जाना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद में और कौन सा टॉपिक है जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है सो दट इज क्या हो गया सो टेशन ऑफ पीपल एक्ट से क्वेश्चन पूछा ये साल भी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था देखो एक बार क्वेश्चन पूछा दो बार पूछा तीन बार पूछा तो इसका इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ के जाना क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यहाँ पे कहीं तो भी दिया है यहाँ पेट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो उसको पढ़ के जाना हर साल यहाँ से यूपीएसी क्वेश्चन पूछती है लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलेगा ये ठीक है लक्ष्मीकांत में एनालिसिस मिसिंग है लक्ष्मीकांत में एनालिसिस नहीं है विलियम्स के लक्ष्मीकांत अच्छे लेकिन मेन लक्ष्मीकांत इट इज नॉट दैट मच फ्रूटफुल ठीक है उसके बाद पार्लियामेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट से यूनियन पार्लियामेंट से जैसे पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कैसे होता है मनी बिल कैसे ला जाता है राज्यसभा से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बजट से क्वेश्चन आते हैं मोशन से क्वेश्चन आते हैं

तो वहां से भी बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन दो सा बार ऐसे क्वेश्चन आए थे दो हजार अठारह उन्नीस में क्वेश्चन आया था कि द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी हैज डिमिनिश ओवर द दस एज अ रिजल्ट हेल्दी डिबेट नहीं हो पा रही है तो हाउ फार यू कैन एट्रीब्यूट दिस टू एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब पार्लियामेंट में एक मंत्री एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो क्वालिटी ऑफ डिबेट नीचे चली जाती है तो वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन पूछा था इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल इन नेशनल लॉ मेकिंग हैज डिक्लाइन यहाँ पे भी वही पूछ रहा है डिमिनिश यहाँ पूछा डिक्लाइन एडवर्सली इंपैक्ट क्वालिटी ऑफ डिबेट तो यहाँ पे भी वही पूछा देखो हेल्दी डिबेट और कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं हो पाती है तो ये क्वेश्चन पूछ रहे उसके बाद में पार्लियामेंट से कैसे राज्यसभा से भी क्वेश्चन आते हैं आई थिंक दो हजार उन्नीस या बीस में आया था कि राज्यसभा था याद नहीं आ रहा हाँ ये दो में क्वेश्चन आया था राज्यसभा फ्रॉम यूजलेस स्टेपिनटायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन अब देखो राज्यसभा सिलेबस में कहा दिया है सिलेबस में राज्यसभा डायरेक्टली मेंशन नहीं है यहाँ पे पार्लियामेंट मेंशन है देखो अगर आप देखोगे तो ये यह देखो यहाँ पे पार्लियामेंट मेंशन है पार्लियामेंट आप पार्लियामेंट से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर पूछेंगे पार्लियामेंट का फंक्शन पूछेंगे कंडक्ट ऑफ बिजनेस पूछेंगे पार्लियामेंट के प्रिविलजेस क्या होते हैं और उसमें से इश्यूज क्या क्या आते हैं तो सिलेबस देख के कैसे क्वेश्चन आएंगे ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो आपको सिलेबस को ही देखना पड़ेगा और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को दूसरा कोई उपाय नहीं है कि समझने का कि कैसे क्वेश्चन आया right? तो था तो उसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए थे ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है तो एन्य ज्वाइंट सेशन कब कब होता है और कब कब नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे भी देखो ज्वाइंट शेटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है कौन प्रिसाइड करता है यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे पूछा ज्वाइंटिंग के ऊपर ठीक है तो इंट्रोडक्शन बॉडी फॉर्मेट इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में इसको प्रिपेयर करके जाना कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है उसके बाद में पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चन आते है चलो इतना तो हो गया ठीक है उसके बारे में मेन टॉपिक जहां से और क्वेश्चन आते हैं वो है जुडिशरी जुडिशरी से तो हर साल हर साल क्वेश्चन आते हैं तो जुडिशरी से क्वेश्चन देखते कैसे आते हैं अगर हम जुडिशियरी से क्वेश्चन देखेंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्वेश्चन आता है उसके बाद में डिबेट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू पी आई एल से क्वेश्चन आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं अगर करंट अफेयर में कोई जजमेंट चल रहा है जैसे दो हजार चौदह में एनजेसी चल रहा था न्यूज में और अभी भी चल रहा है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अभी भी चल रहा है सरकार और जुडिशियरी के बीच में फसल चल रही है अभी अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको तो हाई चांसेस है कि यू नो uh, you know, 23, 23, 23 के में एनजेसी का क्वेश्चन देखने को मिले सो यू द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इनकम टैक्स ठीक है इसमें से क्वेश्चन आया उसके बाद में इंडियन uh, जुडिशियल और यूके जुडिशियल सिस्टम को कंपेयर करने के लिए बोला था उसके बाद में ये दिवाली क्रैकर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और अभी 2022 में रिसेंटली यही क्वेश्चंस देखो प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पूछा था रिगार्डिंग यू नो जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था 2016 में सिमिलर क्वेश्चन था अगर आपको देखो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एंटेल्स लीगल रेगुलेशन ऑन बर्निंग फायर तो आपको सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड जजमेंट बताने थे यहाँ पे भी आर्टिकल ट्वेंटी के बारे में पूछा था और यहाँ पे भी आपको आर्टिकल ट्वेंटी के बारे में ही लिखना था ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं अगर कोई न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है ठीक है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर अप टू द लोकल लेवल अब डिवोल्यूशन ऑफ पावर है क्या अगर आप इसको देखोगे तो पंचायत के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं देखो सिलेबस को इसलिए सिलेबस को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन क्या है कि भैया डिवोल्यूशन ऑफ पावर करना है और फाइनेंस करना है डिवोल्यूशन ऑफ पावर और फाइनेंस का मतलब क्या को देना है। कौन से लोकल लेवल? पंचायत और तो दे दिया लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है तो इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और हर साल वही क्वेश्चन पूछती है Dimensions और पॉइंट हमेशा रिपीट होते हैं डायमेंशन और पॉइंट हमेशा रिपीट होते हैं अगर मैं आपको 2022 का क्वेश्चन दिखाऊं, 2022 का देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं टू वॉट एक्सटेंड इन योर ओपिनियन हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप लैंडस्केप एट एट चलो इसको को छोड़ दो ग्रास गवर्न लैंडस्केत क्या रहे है? मतलब अगर आप सोल देखो क्वेश्चन का पूछ क्या रहे है कि पंचायती राज ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया हमने पावर तो दे दिया पंचायत को ग्राउंड लेवल तक हमने फाइनेंस भी दे दिया तो अभी पावर और फाइनेंस देने के बाद में भी अभी गवर्नेंस कैसा

फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स निकाल लिए कुछ ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स है अच्छे एग्जाम्पल्स है कुछ यू नो बैड ऑफ पंचायती कुछ डेटा निकाल लिया नोट्स निकाल लिया ठीक है उसके बाद में रिजर्वेशन हैज बॉट समल एम्पेंटेड सबके मैंने ये बना लिए मॉडल आंसर्स बना लिए ठीक है इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन की इसमें और एंड में मैंने क्या किया मैंने आई थिंक एआरसी की कुछ रिकमेंडेशंस भी डाल दी थी तो अगर आप यहाँ देखो तो मैंने यहाँ पे किसी भी इसमें ये देखो क्या पूछा है टू वॉट एक्सटेंड ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस तो ये मैंने बोल ये एग्जाम्पल डाल दिए दे कि देखो भैया हुआ है केरला में पंचायत वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट विलेज टूरिज्म तो आप पूछ रहे थे ना कि किस हद तक गवर्नेंस चेंज हुआ है तो देखो इस हद तक हुआ है बाद में राधा देवी एक विलेज की सरपंच है वो इंश्योर करती है कि सारी लड़कियां स्कूल जाए सुनामी तो ये जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स निकाले थे वही मैं लिख रहा हूँ पे नीचे सुनामी रेडी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है यू नो वेलिया परम्बा पंचायत में तो गवर्नेंस में सुधार आया है पर पे पे मैंने क्या, यहाँ पे मैंने क्या देखो निकाल लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन से देर इज नो चेंज इन ग्रास रूट लेवल कैसे रिजर्वेशन सीट्स हमने वुमेन्स के लिए लेके आए थे पंचायत में लेकिन अभी भी पंचायत पति होता है जो वुमेन सरपंच होता है उसका ही पति सब काम देखता है मैन टेकिंग ऑल द डिसीजन इन इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग होता है उसके बाद में क्या टैक्सेशन जो जो पैसा आता है पंचायत के पास में वो डाइवर्जेंट हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन होता है एस सी के अगेंस्ट इेगुलर इलेक्शन होते हैं और सेकेंड ईयर से ने कुछ रिकमेंडेशन दिया गुड गवर्नेंस आया भी और डिसेंट्रलाइजेशन से कुछ गवर्नेंस नहीं भी आया तो उसके एग्जाम्पल्स मैंने निकाल के रखे ठीक है उसके बाद में ऐसे नोट्स बना लिए चलो पंचायत से पंचायत देख लिया पंचायत कहाँ पे दिया यहाँ पे दिया है सिलेबस में कहां पे दिया है यहां पे डिवॉल्यूशन ऑफ पावर अप टू द लोकल लेवल हाँ क्या हाँ जी देखो डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसू दैलेंजे तो सिलेबस पढ़ के समझ में नहीं आता है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना ही पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि लक्ष्मीकांत से ये टॉपिक तो आपको होने नहीं वाला की लक्ष्मीकांत आप देख लोगे खोलोगे पढ़ लोगे करते क्या बताता हूँ आप लोग आपको लो सबसे पहले आप क्या करते हो मार्केट में तो यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछे ऐसा नहीं होता है आपको क्या करना है आपको स्पेसिफिक सिलेबस को उठाना है और उससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो लक्ष्मीकांत से पढ़ना है आपको उल्टा करना है पहले सिलेबस को पढ़ना है क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो पॉइंट है लक्ष्मीकांत में वो पढ़ना है आप उल्टा करते हो आप पहले लक्ष्मीकांत को पढ़ते हो फिर क्वेश्चंस को पढ़ते हो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो आपको ऐसा नहीं करना है सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है और उसमें जो पॉइंट जैसे कि मान लो कि ये ये जो ये जो पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडर पाइनिंग लक्ष्मीकांत के चैप्टर वन, वन वन में दिया है तो वहां से जाके पढ़ लो बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है सिलियन फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ये यहाँ पे दिया नहीं है तो आप लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ोगे आप यूट्यूब से पढ़ोगे जुडिशरी से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो लक्ष्मीकांत में जुडिशरी दिया है और जो मेंस में जुडिशरी पूछ रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है प्रेशर ग्रुप लक्ष्मीकांत में दिया है लेकिन वो वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जैसे लक्ष्मीकांत में दिया है समझ रहे हो ठीक है तो कुछ कुछ टॉपिक आपके लक्ष्मीकांत से हो जाएंगे लेकिन मेजोरिटी एटी टॉपिक आपके लक्ष्मीकांत से नहीं होने वाले वो आपको गूगल ही करना पड़ेगा एग्जाम्पल आपको गूगल करना पड़ेगा अब जैसे कि मैंने आपको डिवोल्यूशन ऑफ पावर अप टू द लोकल लेवल अब इसमें जो अग्जाम्पल्स मैं लिखूंगा उसमें जो मैं क्रिटिकल uh, एनालिसिस दूंगा वो तो लक्ष्मीकांत में नहीं है वो तो मुझे गूगल करना पड़ेगा तो लक्ष्मीकांत आपका प्रीलिम्स के लिए ठीक है लक्ष्मीकांत को तीन चार बार पढ़ लो प्रीलिम्स के लिए उसमें से आपके क्वेश्चन दस में से आठ क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन मेन्स के लिए आपका लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशियंट ठीक है हाँ लक्ष्मीकांत से आप इंट्रोडक्शन के लिए आप uh, कुछ आर्टिकल्स उठा सकते हो या किसी ने कुछ बोला होगा तो वो कर सकते हो लेकिन लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेन्स राइट उसके बाद में बहुत सारे टॉपिक्स है टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन आते हैं उसके बाद में इलेक्शन uh, से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं लेकिन लक्ष्मीकांत में इलेक्शन इतना कवर नहीं है राइट तो आपको गूगल करना पड़ेगा ऑब्वियसली आपको गूगल करना पड़ेगा तो देखो कैसे क्वेश्चन आए ईवीएम से क्वेश्चन आए तो लक्ष्मीकांत में ईवीएम के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस नहीं दिया है इरेक्र रिफॉर्म से क्वेश्चन आए उसके बाद में साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्वेश्चन आए मतलब एट अ टाइम लोकसभा और एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन स्टेट लेवल पे वो एक सभा हो जाए एक साथ एक साथ हो जाए उसके बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्वेश्चन आया डिलिमिटेशन कमीशन से क्वेश्चन आया उसके बाद में इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिस से क्वेश्चन आया और मिसलेनियस क्वेश्चन आया दो हजार बीस में आई थिंक सो ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था आई थिंक ये ये साल भी क्वेश्चन आया था द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी वॉट आर द इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स तो यहाँ से क्वेश्चन आया तो ये पढ़ के जाना आपने, ये आपको लक्ष्मीघात में नहीं मिलेगा ठीक है उसके बाद में कहा से क्वेश्चन आए टॉपिक देखते कि से आम, से से टॉपिक है है अब देखो जो उसमें दिया है, लेकिन से आप जो क्वेश्चन कर पाओगे 2016 में एक क्वेश्चन आया था डिस्कस द एग्जेक्टिव अटैच प्रियम्बल रिपब्लिक

जो आपके लक्ष्मीकांत के एकदम एंड में दिया है तो मैंने इसको इंट्रोडक्शन में डाल दिया नानी वाले ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है सॉरी प्रियम जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसको... अगर कैसे भी क्वेश्चन आए तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा कैसे फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सोलवर इन सोशलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसके बाद में इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस फ्रेटर्निटी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका पियम्बल का तो फ्रेटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस कमिटमेंट क्या है तो ये कमिटमेंट और फिलोसॉफी एक ही है वैल्यूज तो क्या है तो यही है कमिटमेंट और वैल्यूज सेम है उसके बाद में सोर्स ऑफ पावर क्या है

रफली यही टॉपिक से uh, से मेजारिटी ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं बॉडीज से क्वेश्चन बनते हैं हर साल बॉडीज से क्वेश्चन आते हैं तो बॉडीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखते हैं हमारे सिलेबस में दिया दिया है यहां पे दिया है बॉडीज पे कहागुलेटरी एंड जुडिशल बॉडी तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल में तो यहां से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं बॉडी से कैसे क्वेश्चन देखते देख लेंगे एक बार अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी कौन सी है प्रेसिडेंट की है वाइस प्रेसिडेंट की है पीएम की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है और उसके बाद स्पीकर की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है क्या की है और यूपीएससी चेयरमैन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो देखते इसमें से कैसे क्वेश्चन आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है अभी तक इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसके बाद में यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसमें दो बार क्वेश्चन आया फाइनेंस कमशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसमें से इतने बार क्वेश्चन आए आपको फाइनेंस कमीशन प्रिपेयर करके जाना है हर बार फाइनेंस कमीशन थर्टीन फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन क्या थे काउंसिल जनरल ये देखो ऑफ इंडिया बीस में आया डायरेक्ट वो हजार 2020 या तो 19 में आया था मुझे इतना ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ से हर बार क्वेश्चन आया है ठीक है उसके बाद में देखो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यहाँ से तो हर साल एक ना एक नेशनल कमीशन से हर साल क्वेश्चन आता ही है एक तो नेशनल फॉर शेड्यूल का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब नेशनल इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पहले से बना के जाओ जो पूछ रहे क्वेश्चन आया था कैक से तो कितने बार क्वेश्चन आया रेगुलेटरी बॉडी कौन सी कौन सी आरबीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है नाबार्ड है ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है बहुत सारी है पर इसमें से सारी सारी नहीं पढ़ के जाना है इसमें से दो तीन जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ के जाना है बाकी नहीं पढ़ना है जैसे एनजीटी इंपॉर्टेंट है नेशनल ट्रिब्यूनल ये इंपॉर्टेंट है आरबीआई इंपॉर्टेंट है सेबी इंपॉर्टेंट है तो तीन चार पढ़ के जाओ बाकी मत पढ़ के जाओ तो भी चलेगा ठीक है कौन सा कॉजे जुडिशियल बॉडीज कौन सी कौन सी है कंज्यूमर कोर्ट है ये सारे ये सारे कॉजेज जुडिशियल बॉडी है इसमें से क्वेश्चन आए स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है स्टैट्यूटरी जो लॉ बना के बनाई नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट कितने बार क्वेश्चन आया देखो एक दो तीन चार पांच छह बार क्वेश्चन आया उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है यहाँ पे दो बार क्वेश्चन आया 2021 में क्वेश्चन आया था और ये 2022 में देखो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से क्वेश्चन आया 2022 में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेशनल कम 2022 में क्वेश्चन आया तो हर साल एक कमीशन के ऊपर तो क्वेश्चन पूछेंगे बॉडीज के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा तो बॉडीज को भी प्रिपेयर करके थे और सिलेबस में हमारे स्पेसिफिकली मेंशन है बॉडीज के बारे में ठीक है तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है पॉलिटी को उसके बाद में आम, और कौन से कौन से टॉपिक्स है बस मेजोरिटी यही टॉपिक्स यहां से क्वेश्चन आते हैं तो ये इनको देख लेना एक ये बार 2019 में फंडामेंटल राइट्स दो हजार में फंडामेंटल राइट्स से भी क्वेश्चन आया था आई थिंक दो आर्टिकल 19 से क्वेश्चन आया था

इसके बारे में पूछा है तो ये लक्ष्मीकांत से स्टार्टिंग कुछ सॉल्व हो जाएगा लेकिन सब कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा राइट तो प्रेस और मीडिया से क्वेश्चन है मूवीज के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन तो आपको सिलेबस और प्रीवियर क्वेश्चन पेपर को देखना है आर्टिकल फोर्टीन से क्वेश्चन आते हैं फिफ्टीन से आते हैं नाइनटीन से आते हैं ट्वेंटी वन से तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं 22 से आते 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 आर्टिकल आर्टिकल से 33 से तो आपको ये सब देखना पड़ेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेर एनालाइज कर लोगे तभी आपको पता चलेगा कि यूपीएससी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देखो सिलेबस में फंडामेंटल राइट कहीं पे भी नहीं दिया है आप पूरा सिलेबस छान मारो फंडामेंटल राइट कहीं पे भी नहीं दिया है लेकिन तब भी यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा ना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 से तो यूपीएससी का सिलेबस देख के ये बताना कि अगले साल कैसा क्वेश्चन रहेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देख के हम ये बता सकते हैं कि अगले साल क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन सिलेबस देख के इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि अगले साल क्वेश्चन कैसे आएंगे ठीक है तो मैंने आपको बताया जुडिशरी से हर साल क्वेश्चन आते है अगर आप न्यूज को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो अभी एनजीएससी चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बोल रहे हैं कि हम एनजीएससी लेके आएंगे लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपोज कर रहा है अभी पार्लियामेंट में कल कल की ही बात है शायद से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है वो लेके आए थे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कहाँ कहाँ पे आएगा यूनिफॉर्म डीपीएसपी में आएगा तो डीपीएसपी में अगर आप जाओगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है देखो यहाँ पे दो बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे एक बार और दो बार क्वेश्चन और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी न्यूज में चल रहा है अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर प्रिपेयर नहीं करोगे तो यू नो तो आ, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अगर मैं यहाँ पर डालू यूनिफॉर्म सिविल कोड